आपके अपने चैनल गुरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट हूँ। दोस्तों, जैसे कि ये हेल्थ केयर का वीक चल रहा है, तो इसमें हम मिलने आए हैं डॉक्टर जीएल मुखर्जी से। तो वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आजकल जैसे यूरिक एसिड एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। पहले हमने कभी उसका 10-12 साल के नाम भी नहीं सुना था, पर आजकल क्या होता है, यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। तो इसका क्या कारण है कि यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का? मेन तो है खान पान से। खान पान बहुत अच्छी है लोगों का, गलत हो गया, फास्ट फूड वगैरह हो गया, जंक फूड हो गया, और कुछ ये है शारीरिक कोई चर्चा नहीं करते हैं लोग, खाना पीना घूमना बैठिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपकी यूरिक एसिड जब बढ़ेगा, आपको हाथों में सुबह उठ के हाथ मोड़ना मुश्किल होगा, एड़ी में दर्द होगा, जोड़ों जोड़ों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, सब डॉक्टर साहब। मतलब यदि अगर हमारे हाथ में जैसे होता है, तो वो मॉर्निंग में उठने के बाद ही आपको हाथ मोड़ना मुश्किल होगा। यहाँ से कुछ समय पहले भी आपको हुआ है ना कि आप बीमारी का चिकन गुनिया हुआ, उस समय जो है ये करीबन खास करके देहरादून कुछ एरिया में सुबह के सबके दर्द हुए, हाथ लोग उठ रहे हैं, हाथ मोड़ना जमीन पे पैर रख रहे हैं, पैर नहीं रख पा रहे हैं, ये बीमारी उस समय से खूब फैला हुआ है। चिकन से हमारे मतलब बॉडी में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है और इसमें प्रोटीन बढ़ जाता है शरीर में। और आपका इलाज के लिए बहुत अच्छी होंगी दवाइयाँ होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे साइड इफेक्ट अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो आपको किडनी में बहुत ज़्यादा होती है, किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा अगर आप मान लीजिए 9-10-11 तक पहुँच गए यूरिक एसिड, इसीलिए और एक डॉक्टर साहब, जैसे हम क्या इसके लिए खान पान में मतलब अपनी क्या चीज़ खान पान की सही करें जिससे हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में हो? खान पान में पहले तो ये जैसे रोटी है दाल के समान, ये लोग कहते हैं पतली दाल मोटी दाल छिलकर दाल दाल होता है, वो दाल को थोड़ा दिन अवॉइड करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, कुछ सब्जियां हैं जैसे टमाटर बैंगन फलसली लोबिया ये सब ये नहीं खानी चाहिए, बैगन है ये सब नहीं खाना। उसके बाद आपका नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, थोड़े दिन ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भी खाना चाहिए। और मेन होता है अगर आप पानी ज़्यादा पीएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी बेसिकली हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो सबसे कम जो है मिनिमम आपको 2 से 2.5 लीटर पानी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हो रही है कि यूरिक एसिड जैसे बढ़ता है वो अपने साथ कई और बीमारियाँ लेकर आता है, भी बढ़ जाता है। अगर ये फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद अगर आप ये करोगे उसके बाउल में हो जाएगा, क्रॉनिक होगा तो बाउल हो जाएगा, जो हार्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो अर्थराइटिस है उसकी पहली स्टेज है यूरिक एसिड? पहला स्टेज। हाँ, जैसे आजकल तेल वगैरह हो रहा है, तेल से बहुत जैसे रिफाइंड ऑयल जो है ना वो बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन लोग समझते हो बाजार का जंक फूड जो है बहुत ही हानिकारक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे भी 4-5 साल पहले यूरिक एसिड हुआ था, तो मुझे भी पहचान नहीं हुई थी, मेरे भी सुबह रात को मैं उठकर अकड़ाहट होती थी। मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आई थी, तो डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताया था कि ये आपका यूरिक एसिड है, जबकि इन्होंने मेरा टेस्ट भी नहीं करवाया था, इन्होंने मेरे हाथ देख कर ही बता दिया था कि आपको यूरिक एसिड की बीमारी है और आप दवाई लेकर जाइए। और इनकी दवाई से मुझे 3-4 दिन में ही काफ़ी रिलीफ मिला था, 3-4 दिन में ही मेरे हाथ में जो अकड़ाहट रहती थी हर समय वो काफ़ी बंद हो गई। तो डॉक्टर साहब, इसकी हिसाब ही चलती है दवाई या मतलब कुछ टाइम? अगर आप खान पान सही रखते पानी का क्वांटिटी सही रहेगा तो बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे, कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन अगर पेन किलर वगैरह घूमते भी मत खाना, इसमें
होम्योपैथिक वाले पेन किलर बहुत देते हैं, उससे भी आपको बहुत साइड इफेक्ट होगा, हो सकता है किडनी खराब हो, लीवर में कुछ तकलीफ हो, ये सब मुझे लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या आप अपनी यूरिक एसिड पहचान नहीं पा रहे हैं तो मैं आप अपना जरूर टेस्ट करवाइए, अदरवाइज डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब का एड्रेस बहुत ही ईजी है, तो ये है यहाँ पर पटेल नगर में गुलाटी मेडिकल्स के बराबर में एक गली जा रही है, वहाँ पर ये लावण्या मेडिकल स्टोर कर लावण्या डॉक्टर करके, तो ये बहुत ही ईजी है। और डॉक्टर साहब सुबह को तो धनमार्ग में भी बैठते हैं ना? साढ़े दस से साढ़े बारह बजे, मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप इसका अर्ली स्टेज में अगर इलाज कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपको अदरवाइज कोई और बीमारियां ना हो, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी पर बहुत जल्दी असर करता है, उसके अलावा ये अर्थराइटिस की जो फर्स्ट स्टेज है ये भी बहुत ही नुकसानदेह होगी। तो डॉक्टर साहब बस हमें ये है कि अपना खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पानी की आप पीजिए, पानी में कोई कंजेशन, ये सब यूरिक एसिड में कौन सी दवाई है, जैसे अगर कोई बाहर रहता है आपके पास नहीं आ सकता तो कौन सी दवाई हमें लेनी चाहिए? इसमें वैसे तो रस्टक्स 30, फॉर्मिका 30, गुएकम, रोडम ये सब चलता है। वैसे पे इसमें आपको मदर टिंचर में अर्टिकाउलिंस और एक WSI का पेटेंट दवाई आती है बर्बरिस मेंटागन, बहुत अच्छी दवाई है बर्बरिस मेंटागन, दो दो गोली दिन में चार बार, तीन से चार बार। और बर्बरिस जो है इसका आर्टिकाउलिंस आपको जैसे सिम्टम होगा उस हिसाब से 15 से 20 दिन, 3 से 4। तो डॉक्टर साहब जैसे उसमें ये होता है ना कि पैरों में भी कुछ इकट्ठा हो जाता है यूरिक एसिड में, अंगूठे में भी कहते हैं ना कुछ पेन होता है, अंगूठे में आता है, टोज में होता है, एंकल में होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, बहुत टिपिकल पेन होता है। हाँ, अगले हफ्ते डाल दूँगी।